लाइन संचार। अब हम देखते हैं लाइन संचार के बारे में। संचार का एक माध्यम होता है लाइन संचार। तो संचार तंत्र में संचार चैनल संचार चैनल होते हैं, संचार तंत्र जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम मूल संदेश को क्या करते हैं, प्रेस मूल संदेश को अभिग्राही तक भेजते हैं। तो संचार तंत्र में जो संचार है, वो संचार चैनल का जो यूज़ होता है, वो एक ही माध्यम में संचरित होगा, चाहे वो माध्यम कुछ भी हो। तो यहाँ पर जब संचार चैनल एक ही माध्यम में संचरित होता है, तो यहाँ पर मेन दो माध्यम होते हैं। एक होता है निर्देशित माध्यम, और दूसरा होता है अनिर्देशित माध्यम। अब यहाँ पर जो संचार चैनल है, जो हम सूचना भेज रहे हैं, तो संचार चैनल इन दोनों में से एक माध्यम का उपयोग करेगा, चाहे वो निर्देशित माध्यम हो चाहे वो अनिर्देशित माध्यम। अब देखते हैं कि निर्देशित माध्यम जो है वो कहाँ पर यूज़ होता है। जैसे हमको बिंदु से बिंदु संचार करना हो, बिंदु से बिंदु कहने का मतलब ये होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब उसमें स्थान निश्चित होगा, ठीक है, स्थान या जो दूरी होती है अगर वो निश्चित है, तो उस संचार को हम क्या कहेंगे, निर्देशित माध्यम से संचारित करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, जब संचार बिंदु से बिंदु तक किया जाता है, ठीक है, जब संचार बिंदु से बिंदु तक किया जाता है, मतलब इसमें एरिया निश्चित होगा, तो हम जब एरिया निश्चित होता है तो इसमें क्या होता है, एरिया निश्चित होगा तो हम समाक्षी केबल, जो केबल लाइन होते हैं, केबल लाइन की सहायता से या प्रकाशिक तंतु की सहायता से हम संचार कर सकते हैं, क्योंकि हमको प्रेषित तो निश्चित ही रहेगा, लेकिन अभिग्राही का स्थान भी यहाँ पर क्या है, निश्चित है। अभी जो उस सूचना को ग्रहण करेगा उसका स्थान निश्चित होने के कारण हम आसानी से उसको हम बिंदु से बिंदु संचार के अंतर्गत ले सकते हैं, और एक केबल की सहायता से या प्रकाशिक तंतु की सहायता से संचरण करा सकते हैं। सेकेंड होता है अनिर्देशित माध्यम। अनिर्देशित कहने का मतलब, यदि हमको रेडियो संचार कराना हो, रेडियो संचार मतलब जैसे हमने यहाँ से संदेश भेजा, वो उस संदेश कहाँ जा रहा है, अंतरिक्ष में जा रहा है। अब अंतरिक्ष में उसको ग्रहण करने के लिए एक निश्चित पॉइंट नहीं होगा, ठीक है, अब हमारे द्वारा जो संदेश भेजा जा रहा है वो अंतरिक्ष में कहाँ तक जाएगा या किस दूरी तक जाएगा, ये हमको मालूम नहीं है, तो इसके कारण उसको हम क्या कहेंगे, अनिर्देशित माध्यम में संचार। इसको हम अंतरिक्ष या फिर क्या बोल सकते हैं, मुक्त आकाश। मुक्त आकाश में जो संचरित रेडियो तरंगे होती हैं, मुक्त आकाश में संचरित रेडियो तरंगे अनिर्देशित तरंगे कहलाती हैं। क्योंकि देखो, मुक्त आकाश में कोई भी एक निश्चित पॉइंट नहीं है कि वहाँ सूचना कहाँ जाएगा, कहाँ से वो फिर वापस आएगा, इसका कोई निश्चित स्थान नहीं है, तो हम उसको निर्देशित नहीं करते, मतलब एक पॉइंट दर्शा नहीं सकते, इसलिए उस माध्यम को हम क्या कहेंगे, अनिर्देशित माध्यम। तो संचार, लाइन संचार के दो माध्यम होते हैं, एक तो होता है निर्देशित माध्यम, जो कि फिक्स होता है कि हमको इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक ही संचार करना है, उसके अलावा हमको संचार नहीं करना है। दूसरा होता है अनिर्देशित माध्यम, जो कि मुक्त आकाश कैसी, या फिर बोल सकते हैं स्वच्छंद आकाश, जहाँ पर निश्चित ये नहीं है कि अभिग्रहण, सूचना का अभिग्रहण कौन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रेषित निश्चित होता है, ठीक।
मतलब यह दो तार, इसमें दो चालक तार का उपयोग होता है। द्वितार बोल रहा है, द्वितार लाइन कहना, तो लाइन तो है, लाइन समझ गया कि संचार का एक माध्यम है। द्वितार मतलब दो तारों से मिलकर बना हुआ, या बोल सकते हो इसमें दो चालक तारों का उपयोग होता है। इसमें दो चालक तारों का उपयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्वितार लाइन कहते हैं। तो द्वितार लाइन जब संचार होगा तो इसमें भी दो अलग अलग माध्यम होते हैं। पहला होता है, समांतर तार लाइन, और इसमें दूसरा होगा एंठित युग्म तार लाइन। इसमें दो तार लाइन होगा, एक होता है समांतर तार लाइन और दूसरा क्या होगा, एंठित युग्म तार लाइन। ये दोनों द्वितार लाइन के अंतर्गत आएंगे, उनका प्रकार है मान सकते हैं उसको। तो द्वितार कहने का मतलब समझ आया कि दो चालक तारों का यहाँ पर उपयोग होगा और उसके कारण यहाँ पर संचार किया जाएगा, या मूल संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाएगा। इसके अंतर्गत पहला होता है समांतर तार लाइन और दूसरा होता है एंठित युग्म तार लाइन। तो सबसे पहले हम देखते हैं समांतर तार लाइन, ठीक। तो समांतर तार लाइन क्या है, यह काले फीते की तरह होता है। यह काले फीते की तरह होता है, जैसे काला फीता, मतलब फीता मतलब एक रिबन जिसको हम कहते हैं ना, जो लंबाई में होता है, तो उसे हम, इसको हम क्या कहते हैं, काले फीते की तरह, क्योंकि इसमें हम देखना कभी भी कोई भी संचार लाइन यूज़ करें तो दो तारों का यूज़ होता है अधिकतर, एक लाल और दूसरा काला, ठीक है। तो यहाँ पर समांतर तार लाइन में क्या लिखोगे कि यह काले फीते की तरह होता है जिसमें दो तार एक दूसरे के समांतर होते हैं। जिसमें दोनों तार क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर होंगे और उन दोनों के मध्य और उन दोनों तार के मध्य विद्युत रोधी पदार्थ भरा होता है। ठीक है, क्या होगा, समांतर तार लाइन में यह एक काले फीते की तरह तार होता है जिसमें दो तार एक दूसरे के समांतर होंगे और उन दोनों तारों के मध्य क्या होगा, एक विद्युत रोधी पदार्थ भरा होगा। अब देखो इसका डायग्राम हम देख सकते हैं, देखो ये और ये दोनों जो बाहरी आवरण दिख रहे हो क्या है, दो तार है, ठीक है। और ये दोनों तार क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं और इन दोनों के मध्य क्या भरा हुआ है, एक विद्युत रोधी पदार्थ भरा हुआ है। इसका उपयोग प्रायः एंटीना और अभिग्राही जो होते हैं, जो हमारा जैसे हमने कोई सूचना प्रेषित किया वो पहले कहाँ जाता है, एंटीना तक जाता है। तो इस तार का उपयोग कहाँ करते हैं, मुख्यतः एंटीना और अभिग्राही दोनों को जोड़ने के लिए, ठीक है। जो हमारा एंटीना है और एंटीना और जो सूचना को ग्रहण कर रहा है उन दोनों को जोड़ने के लिए हम समांतर तार लाइन का यूज़ करते हैं।
ये तो उपयोग हो गया। इसमें होता है ऊर्जा ह्रास। देखो द्वितार लाइन का उपयोग क्या हुआ कि एंटीना से अभिग्राही जो होता है, एंटीना और अभिग्राही उन दोनों को जोड़ने का ये काम करता है। लेकिन इस समांतर तार लाइन जो है उसके कुछ उसमें होने वाले ऊर्जा ह्रास, सबसे पहले होता है विकिरण के द्वारा। सबसे पहला क्या होता है इसमें ऊर्जा ह्रास, किस माध्यम से? विकिरण के माध्यम से, क्योंकि यह तार जो है वो तांबे का बना होता है। यह तार तांबे का बना होता है, ठीक है। अब जब तांबे का बना होगा और जब यहाँ से संचार होगा, मतलब यहाँ से सिग्नल प्रवाहित होगा, सिग्नल जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो ये तार क्या होगा, धीरे धीरे विकिरण उत्सर्जित करेगा, मतलब गर्म होगा और गर्म होने के कारण अपने में से क्या करेगा, विकिरण उत्सर्जित करेगा, एक ऊष्मा उत्सर्जित करेगा और उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा ह्रास। क्योंकि जब तांबा का तार जो है विकिरण को उत्सर्जित करेगा, मतलब उसकी जो दक्षता है उसमें धीरे धीरे कमी आएगी, तो इसके द्वारा जो ह्रास होगा उसको हम क्या कहेंगे, विकिरण का ऊर्जा ह्रास कहेंगे। सेकेंड होता है चालक के गर्म होने पर, देखो यहाँ पर क्योंकि तांबे का तार जो है, तांबा क्या है, एक धातु है, ठीक है। जब तांबे के तार को हम तांबे के तार में से हम कोई मूल सिग्नल को या कोई संदेश को भेज रहे हैं, एंटीना से वो अभिग्राही तक पहुंच रहा है, तो उस समय वो तांबे का तार क्या होगा, गर्म होगा और गर्म होने के कारण इसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तांबे के तार में संचार होने के कारण यह गर्म होगा और गर्म होगा, देखो तांबे तार में संचार हो रहा है इसलिए गर्म होगा और गर्म होने के कारण प्रतिरोध बढ़ेगा। देखो यहाँ पर ये क्या होगा, तांबे का तार गर्म होगा, गर्म होने के कारण उसके प्रतिरोध में वृद्धि होगी और जब उसका प्रतिरोध बढ़ेगा तो अपने आप, प्रतिरोध मतलब क्या होता है, रुकावट, ठीक है। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, रुकावट। तो जैसे जैसे संदेश सिग्नल यहाँ से प्रवाहित, जिस स्पीड से प्रवाहित हो रहा था, अब उसमें प्रतिरोध उत्पन्न हो गया, मतलब वो अब उस सिग्नल को क्या करेगा, वो रोकने का प्रयास करेगा, तो इससे भी ऊर्जा ह्रास होगी, उस सिग्नल के ऊर्जा में कमी आएगी, तो ये होता है दूसरे प्रकार की ऊर्जा ह्रास। तीसरा होता है त्वचिक प्रभाव, त्वचिक प्रभाव। त्वचिक का साधारण मतलब हम क्या समझते हैं, त्वचा, मतलब जो बाह्य सतह होता है उसको हम कहते हैं। तो जब इसमें संचार होता है तो यहाँ पर त्वचिक प्रभाव कब दिखाई देगा, जब हम संदेश सिग्नल को प्रवाहित कर रहे हैं लेकिन संदेश सिग्नल पूरे तार में प्रवाहित ना होकर सिर्फ उसके बाह्य सतह में प्रवाहित होगा, ठीक है। अब संदेश सिग्नल को प्रवाहित किस में होना चाहिए, पूरे तार में होना चाहिए, लेकिन वो पूरे तार में प्रवाहित ना होकर सिर्फ उसके बाह्य आवरण या बाह्य त्वचा में प्रवाहित होता है, तो उस प्रभाव को हम क्या कहेंगे, त्वचिक प्रभाव कहते हैं। जब संदेश सिग्नल केवल बाह्य त्वचा में प्रवाहित होता है, तो इस तार की मोटाई कम हो जाती है। जब संदेश सिग्नल क्या होगा,
होना चाहिए उसके पूरे तार में प्रवाहित, लेकिन वो पूरे तार में प्रवाहित ना होकर सिर्फ उसका जो ऊपरी भाग होगा, ऊपरी परत होगा, उसमें वो प्रवाहित होता है। तो इस प्रभाव को हम त्वचिक प्रभाव कहेंगे। तो इस समय इस तार की मोटाई क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। देखो, ऊपरी सतह में जब प्रवाहित होगा तो धीरे धीरे वो तार क्या पतला होते जाएगा, और जब वो तार पतला होगा तो हो सकता है पतला होने के कारण वो टूट जाए। तो ये सब ऊर्जा ह्रास के कारण होते हैं। तो ये तीन कारण होता है समांतर तार युग्म के ऊर्जा ह्रास का। इसमें देखते हैं दोष। पहला दोष ये होता है कि लंबी दूरी के संचार के लिए अनुपयुक्त है। क्या होगा? लंबी दूरी के संचार के लिए अनुपयुक्त है। मतलब हम इस समांतर तार लाइन के द्वारा हम बहुत ज़्यादा लंबी दूरी में संचार नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि कारण यह है कि इसमें ऊर्जा ह्रास होता है। अगर हम ज़्यादा लंबी दूरी में प्रसार कर रहे हैं, संचरण कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, तो ज़्यादा ऊर्जा ह्रास होगा। और ऊर्जा ह्रास हो रहा है मतलब ये एक प्रकार की ऊर्जा की हानि हो रही है, इसलिए हम इसके द्वारा लंबी दूरी के लिए संचार नहीं कर सकते। दूसरा, तारों में सिग्नल प्रवाहित होने के कारण इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तारों में सिग्नल प्रवाहित, जैसे तारों में संचार हो रहा है, संचार मतलब एक प्रकार का संदेश सिग्नल वहाँ से जा रहा है, तो जैसे जैसे तार में संदेश सिग्नल प्रवाहित होगा उसके कारण उसमें उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे। और यदि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं मतलब उसमें ऊर्जा हानि की संभावना ज़्यादा होगी, इस कारण भी हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। ये दोनों क्या है, इनके दोष हैं समांतर तार लाइन के। इसका दूसरा जो प्रकार है क्या, एंटिक तार युग्म। इसका दूसरा प्रकार होता है एंटिक तार युग्म। एंटिक तार युग्म कहने का मतलब इसमें जो तार होते हैं, जो तांबे के यहाँ पे दो तार होंगे और दोनों तार एक दूसरे में क्या होंगे, गुथे हुए रहेंगे। दोनों एक दूसरे से क्या होगा, एंटिक मतलब दोनों एक दूसरे में रोल रहेगा, गुथा हुआ रहेगा। तो इसमें इसको हम कहते हैं एंटिक तार युग्म। इसमें दो तार एक
एक दूसरे में गूंथे हुए रहते हैं। दोनों एक दूसरे में गूंथा हुआ है और गूंथे हुए होने के कारण क्या होता है, इसका उपयोग हम टेलीफोन लाइन में करते हैं। टेलीफोन लाइन मतलब जो अपना लैंडलाइन फ़ोन होता है उसमें संचार कैसे होता है, उसको अगर जोड़ना है तो हम एक तार के सहायता से जोड़ते हैं, तो उसमें एंटी युग्म तार का उपयोग होता है। कारण यह है कि ये एक इसके जो तार होते हैं एक दूसरे में गुथे हुए होते हैं और इस कारण से इनका गतिरोध कम होता है। गतिरोध कम होना मतलब जो बाह्य शोर हो गया या तो इसमें क्या होगा, तो दो तार जो होते हैं वो एक दूसरे में गुथे हुए होते हैं और इस कारण इनका जो गतिरोध होता है वो क्या होगा, कम होगा। गतिरोध मतलब जो बाह्य वातावरण की जो शोर होते हैं या अन्य जो भी वातावरण से संबंधित जो इफेक्ट पड़ता है वो इसमें कम होगा, इसलिए हम इसका उपयोग टेलीफोन लाइन के रूप में करते हैं। टेलीफोन का जो केबल होता है वो बना होता है एंटी तार युग्म का। अब इसकी देखते हैं विशेषता। देखते हैं विशेषता। इसकी विशेषता क्या है, पहला एनालॉग और डिजिटल, ठीक है, दो प्रकार के हमने संचार पढ़ा था, एक एनालॉग सिग्नल और दूसरा डिजिटल सिग्नल। तो इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों संचार के लिए ये क्या होते हैं, उपयुक्त होते हैं। एनालॉग एंड डिजिटल संचार के लिए उपयुक्त होते हैं। पहला इसकी विशेषता है कि ये एनालॉग संचार के लिए भी उपयुक्त है और डिजिटल संचार के लिए भी उपयुक्त होता है। यह कम खर्चीला होता है। कहने का मतलब ये जो होते हैं ये बहुत सस्ते हमको मिल जाते हैं। समांतर लाइन की तुलना में शोर कम होता है, इसमें जो समांतर लाइन है, समांतर तार लाइन इसके जस्ट पहले हम पढ़े थे, तो समांतर तार लाइन में क्योंकि वो सीधे तार होते हैं, दो समांतर तार होते हैं, इसमें शोर बाह्य गतिरोध उसमें ज़्यादा होगा और इसमें समांतर तार लाइन की तुलना में शोर बहुत कम होता है। और चौथा है आसानी से टेप किया जा सकता है, आसानी से टेप किया जा सकता है। ठीक है, पहला क्या है इसकी विशेषता, एनालॉग और डिजिटल दोनों ही माध्यम में संचरण के लिए ये उपयुक्त होता है। यह कम खर्चीला है मतलब हमको एकदम सस्ते दाम में या सस्ते में ये हमको तार उपलब्ध हो सकता है। समांतर लाइन की तुलना में इसमें शोर कम होगा। शुरू में इसके डेफिनेशन में किसे बाह्य गतिरोध कम होता है, गतिरोध मतलब वातावरण का इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब इसके शोर क्या होगा इसमें कम होगा। और चौथा होता है आसानी से टेप किया जा सकता, मतलब हम इसको आसानी से मोड़ के रख सकते हैं। टेप करने का मतलब इसको आसानी से हम मोड़ कर रख सकते हैं। अब इसका दोष देखते हैं। पहला दोष है कि यह कम टिकाऊ होता है, यह कम टिकाऊ होता है। कम टिकाऊ होता है मतलब सस्ते दाम में तो हमको मिलेगा लेकिन
जैसे कम टिकाऊ कहने का मतलब जैसे आंधी तूफान आता है या बारिश के दिनों में खासकर इसके टूटने की, जैसे हमने टेलीफोन लाइन के लिए इसको लगाया है तो आंधी तूफान के चलते इसके टूटने की संभावना अधिक होती है, इसलिए इसको कहा गया है कि यह कम टिकाऊ होता है। लंबी दूरी के संचार के लिए अनुपयुक्त है। मतलब हम इसमें से भी ज़्यादा दूरी तक, ज़्यादा लंबी दूरी तक संचार नहीं कर सकते, हालांकि ये दोनों सिग्नल को संचारित करेगा लेकिन हम ज़्यादा लंबी दूरी में इसको संचरण के लिए उपयोग नहीं कर सकते। देखते हैं हम समाक्षीय केबल। केबल लाइन सुने हैं जिसको हम केबल लाइन या फिर समाक्षी केबल कहते हैं, ठीक है। तो समाक्षी केबल में केवल एक तार होता है। अभी तक हम द्वितार पढ़े थे, द्वितार लाइन में दो तार का उपयोग होता था, चाहे वो समांतर तार लाइन हो चाहे वो एंटीट्यूब में तार लाइन हो। अब समाक्षी केबल इसमें केवल एक तार होता है, इसमें केवल एक तार का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें केवल एक ही तार का उपयोग किया जाता है और उस एक तार के ऊपर बेलना, देखो ये तार क्या होगा, एक तार होगा मतलब वो अंदर रहेगा, उसके ऊपर खोखला बेलनाकार एक बाह्य आवरण लगा होता है एवं यह एक बेलनाकार आवरण से घिरा होता है, ठीक है। जैसे ये एक क्या है, इसमें ये एक तार होगा, तार भी हमेशा बेलनाकार होता है, ठीक है। तांबे का तार हुआ, उस तार के ऊपर एक बेलनाकार आवरण होता है और इन तार और बेलनाकार आवरण, तार और बेलनाकार आवरण दोनों के मध्य एक परावैद्युत माध्यम भरा होता है, परावैद्युत माध्यम तार एवं बेलनाकार आवरण के मध्य उपस्थित होता है। इसमें एक परावैद्युत माध्यम भरा होता है। अब वो परावैद्युत माध्यम हो गया टेफ्लॉन, पॉलीएथिलीन, ये सब क्या होते हैं, परावैद्युत माध्यम होते हैं। तो एक तांबे के तार और उनके बेलनाकार आवरण के मध्य या तो टेफ्लॉन, अधिकतर टेफ्लॉन का ही उपयोग होता है, टेफ्लॉन या फिर पॉलीएथिलीन, जो पॉलीथीन होता है, झिल्ली, पतली झिल्ली होती है, वो भरा होता है। ये दोनों बेलनाकार जो बाह्य आवरण है और वो तार, इन दोनों के बीच में ये उपस्थित रहता है। अब जो परावैद्युत पदार्थ की जो प्रकृति है वो प्रसारित होने वाले सिग्नल पर निर्भर करेगा, ठीक है। परावैद्युत माध्यम जो है या परावैद्युत माध्यम जो वहाँ पर उपस्थित है उसकी जो प्रकृति किस पर निर्भर करेगा, जो सिग्नल वहाँ से प्रवाहित हो रहे हैं उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो ये होता है समाक्षी केबल। इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग होता है कंप्यूटर को, कंप्यूटर को उनके अन्य पार्ट्स से जोड़ने के लिए।
कंप्यूटर को आपस, कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं जैसे कीबोर्ड्स हो गया, माउस हो गया या प्रिंटर विंटर जो भी हो, उनको आपस में जोड़ने के लिए हम समाक्षी केबल का उपयोग करते हैं। ये हो गया। अब हम देखते हैं इसमें आगे इसके दोष। पहला दोष है, देखो समाक्षी केबल जो होता है उसका सबसे पहला दोष ये होता है कि यह अधिक खर्चीला है। ये क्या है, अधिक खर्चीला, मतलब इस ये जो केबल होता है बहुत महंगे मिलते हैं हमको, ये बहुत अधिक खर्चीला होता है। दूसरा, आसानी से टेप नहीं किया जा सकता। दूसरा क्या होगा, आसानी से इसको टेप नहीं किया जा सकता, मतलब हम इसको आसानी से टेप करके नहीं रख सकते। तीसरा, परावैद्युत माध्यम होने के कारण यह पूर्णतः विद्युत रोधी होता है। ठीक है, परावैद्युत माध्यम क्योंकि इसमें खोखला जो बेलनाकार बाह्य आवरण है और जो तार है उन दोनों के मध्य क्या भरा हुआ है, परावैद्युत माध्यम, इस कारण यह विद्युत रोधी होगा। क्योंकि परावैद्युत माध्यम में एक ऐसा माध्यम होता है जहाँ विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकता, मतलब वो विद्युत को क्या करता है, रोक के रखता है, इसलिए ये क्या होता है, पूर्णतः विद्युत रोधी होता है। देखते हैं प्रकाशिक तंतु या जिसको हम कहते हैं प्रकाशिक संचार। ठीक है, क्या है प्रकाशिक संचार, संचार की एक ऐसी विधि। देखो अभी तक क्या पढ़े हो, लाइन संचार, तो लाइन संचार में लाइन का उपयोग मतलब तार का उपयोग करते थे, तो उसी प्रकार हम प्रकाशिक संचार में प्रकाश का उपयोग करते हैं। ठीक है, संचार की एक ऐसी विधि जिसमें प्रसारण के लिए प्रकाशिक आवृत्ति परास का उपयोग किया जाता है। संचार की एक ऐसी विधि जिसमें संचार के लिए प्रकाशी आवृत्ति परास का उपयोग किया जाता है। ठीक है, संचार की एक ऐसी विधि है जिसमें संचार के लिए हम प्रकाशिक आवृत्ति परास का, मतलब जो प्रकाश की आवृत्ति होती है उसका उपयोग करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक संचार कहेंगे। अब प्रकाशिक संचार में होता है प्रकाशिक तंतु, इसमें होता है सबसे पहला प्रकाशिक तंतु।
प्रकाशिक तंतु यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो हमारा प्रकाशिक तंतु है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। अब इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, प्रकाशिक संचार करना है, क्योंकि ये प्रकाशिक संचार का ही उपकरण है। तो प्रकाशिक संचार में क्या होता है कि हम इसमें प्रकाशिक आवृत्ति परास का उपयोग करते हुए किसी सिग्नल को क्या करते हैं, प्रसारित करते हैं। तो ये प्रकाशिक तंतु यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर जब यह कार्य करेगा तो इसमें हम किसी प्रकाश को यहाँ इसकी सहायता से किसी प्रकाश सिग्नल को उसी आवृत्ति के साथ टेढ़े मेढ़े मार्ग में होते हुए प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ क्या होगा कि यह एक तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, इस कारण इसके सहायता से हम जो प्रकाश सिग्नल है उस प्रकाश सिग्नल को टेढ़े मेढ़े मार्ग, चाहे वो कोई कैसा सीधा मार्ग हो, टेढ़ा मेढ़ा मार्ग हो, किसी भी मार्ग से होते हुए हम उसको जिस आवृत्ति से हम उसको आपतित कराएंगे उसी आवृत्ति से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसकी आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। सबसे पहले क्या होगा इसमें, अब इसका हम बनावट देखते हैं। इसको हम कहेंगे क्रोड, ये होता है क्लैंडिंग, और ये होता है बाह्य आवरण या सुरक्षात्मक जैकेट। ठीक है, ये जो होता है प्रकाशिक तंतु की संरचना है, तो उसकी संरचना तीन भागों में होती है। सबसे पहला होता है क्रोड। क्रोड हम किसको कहते हैं, किसी भी पदार्थ का केंद्रीय भाग जो उसका सेंटर का एरिया होता है वो क्या कहलाता है, क्रोड कहलाता है। तो यह प्रकाशिक तंतु का केंद्रीय भाग होता है जो कम अपवर्तनांक वाले, या बोल सकते हो एक समान अपवर्तनांक वाले, ठीक है, यहाँ पे कम मत लिखो, एक समान लिखते हैं, जो कि
एक समान अपवर्तनांक वाले कांच या प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, ये क्या होता है क्रोड, यह उसका केंद्रीय भाग होगा प्रकाशिक तंतु का, और यह एक समान अपवर्तनांक वाले किस चाहे वो कांच हो चाहे वो प्लास्टिक हो, कांच या प्लास्टिक का बना होता है लेकिन उसका अपवर्तनांक कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। इसका जो दूसरा भाग होता है जिसको हम कहते हैं क्लैंडिंग, क्लैंडिंग जो होता है ये क्या है, यह क्रोड के बाहर का भाग होता है। ठीक है, यह क्रोड के बाहर का भाग होता है जो कि क्रोड से कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ का आवरण होता है। ठीक है, ये वास्तव में क्या होता है, क्रोड जो है हमारा, ये जैसे हमारा क्रोड है, क्रोड के बाहर का जो भाग दिख रहा है तो क्रोड के ऊपर, क्रोड बना है प्लास्टिक या फिर कांच का एक समान अपवर्तनांक वाले पदार्थ का। अब जो उसका बाहरी भाग है उसको हम कहते हैं क्लैंडिंग, यह क्रोड के बाहर का भाग होता है जो कि क्रोड के अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ का, मतलब क्रोड का हम मानते हैं, मान लो क्रोड का अपवर्तनांक कितना है, 1.7 है सपोज। ठीक है, हम मान लेते हैं कि क्रोड का अपवर्तनांक कितना है, 1.7 है, तो 1.6, 1.5, 1.4, अब क्रोड के अपवर्तनांक मतलब 1.7 से कम जो अपवर्तनांक होगा उस अपवर्तनांक वाले पदार्थ का हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक परत चढ़ाएंगे क्रोड के ऊपर, वो क्रिया कहलाती है क्लैंडिंग। तीसरा होता है सुरक्षात्मक जैकेट, तीसरा इसमें क्या होता है सुरक्षात्मक जैकेट। तो सुरक्षात्मक जैकेट क्या है, जो इसका सबसे बाहरी आवरण है। ठीक है, सुरक्षात्मक जैकेट क्या होगा, जो इसका सबसे बाहरी आवरण होता है जो कि एक विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है। यह बाहरी आवरण है जो विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है। ठीक है, तो ये तीनों क्या होंगे, इसके बनावट हो गए, क्रोड, क्लैंडिंग एंड सुरक्षात्मक जैकेट। अब देखते हैं इसकी कार्यविधि क्या होता है, कि मान लो प्रकाशिक तंतु कैसा है, टेढ़े मेढ़े आकार का है, ये इस प्रकार का एक प्रकाशिक तंतु है। ठीक है, अब इस प्रकाश का प्रकाशिक तंतु है तो इसका आंतरिक भाग क्या कहलाएगा, आंतरिक भाग तो क्रोड होता है और बाहरी भाग क्या है, सुरक्षात्मक जैकेट। तो क्रोड और सुरक्षात्मक जैकेट के बीच का जो भाग है वो क्लैंडिंग है। तो जब ये टेढ़े मेढ़े मार्ग में कोई प्रकाश क्या हो, जब हम किसी प्रकाश को एक छोटे कोण से आपतित करते हैं, ठीक है,
जब हम किसी प्रकाश को एक छोटे कोण से जब आपतित करते हैं तो यहाँ जैसे ही ये प्रकाश के अगर छोटे कोण से आपतित होगा तो लगातार इसमें क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी, क्योंकि ये तो पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर ही कार्य कर रहा है। तो जब हम छोटे कोण से इस प्रकाश को आपतित करेंगे तो इसमें क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। और वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना किस कारण होगी, इसमें जो क्लैंडिंग का परत है वो, ये प्रकाश जो छोटे कोण से हमने आपतित किया है वो किस में टकराएगा, क्लैंडिंग के परत में। और क्लैंडिंग के परत का जो अपवर्तनांक है उसके कारण वो क्या करेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन करेगा। और उसी के कारण से एक निश्चित तीव्रता, जिस तीव्रता से हमने इस प्रकाश को इनपुट किया मतलब भेजा है, उसी तीव्रता से हमको प्रकाश निर्गत प्राप्त होगा, मतलब उसकी तीव्रता में कोई भी अंतर नहीं आएगा। अब इसमें देखते हैं हम इसका उपयोग। पहला उपयोग है इसमें कि चिकित्सा एवं प्रकाशी की जांच में, चिकित्सा एवं प्रकाशीय जांच करने में। प्रकाशिक तंतु में, क्योंकि तीव्रता जो है क्या है, प्रकाशिक तंतु में तीव्रता में परिवर्तन आता है, और तीव्रता में परिवर्तन नहीं आता इस कारण से इसका उपयोग हम चिकित्सा और प्रकाश की जांच में कर सकते हैं। दूसरा, शरीर के अंदर लेजर किरणों को ले जाने में, ठीक है, शरीर के अंदर लेजर किरणों को प्रवेश कराना है तो उसके लिए भी हम प्रकाशिक तंतु का उपयोग करते हैं, क्योंकि तीव्रता समान होने के कारण वो तीव्र लेजर पुंज को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करा सकता है। तीसरा होता है विद्युत सिग्नल के प्रेषण एवं अभिग्रहण में। तो विद्युत सिग्नल को प्रेषित करने एवं उसको प्राप्त करने, इन दोनों कार्यों में प्रकाशिक तंतु का उपयोग होता है। अब हम देखते हैं इसका लाभ, अभी देखा उपयोग, अब इसका देखते हैं लाभ। इसका लाभ पहला तो ये है कि छोटा आकार होता है, ठीक है, आकार में ये छोटा होगा, और छोटा आकार होने के कारण इसका उपयोग हम चालायमान जो उपकरण है जैसे हवाई जहाज हो गया या अन्य जो उपकरण है उसमें कर सकते हैं। छोटा आकार होने के कारण इसका उपयोग हवाई जहाज आदि उपकरणों में किया जाता है। पहला लाभ यह है कि इसका आकार छोटा होता है, इस कारण हम इसका उपयोग हवाई जहाज आदि में कर सकते हैं। दूसरा यह होता है कि तांबे की तुलना में अधिक सिग्नल को प्रेषित किया जा सकता है।
दूसरा इसका उपयोग है कि तांबे की तुलना में अधिक से अधिक, क्योंकि तांबे में बहुत अनेक प्रकार के ऊर्जा ह्रास होते हैं, इसलिए तांबे की तुलना में हम इसमें ऊर्जाओं का प्रेषण या सिग्नलों का प्रेषण अधिक से अधिक कर सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा द्वितार लाइन क्या होता है, लाइन संचार क्या होता है, और प्रकाशिक तंतु क्या है या प्रकाशिक तंतु की क्या क्या उपयोगिता होती है। इसी के साथ धन्यवाद।